हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। और आज बनाएंगे टेबल मैट, जिसके लिए मैंने दो कलर यूज़ किए, ऑरेंज और वाइट। दोनों ही वर्धमान की यान है और 4-ply की यान है। इसमें मैंने जो क्रोशिया यूज़ किया है 3 mm, आपका जैसा यान हो आप उसके हिसाब से अपना क्रोशिया यूज़ कर सकते हैं। चलिए खोल के दिखाते हैं। ये मैंने मुश्किल से 1 घंटे के अंदर रेडी कर लिया। आप चाहें तो इसको और बड़ा कर सकते हैं। इसको बड़ा करने के लिए आपने जो ये ऑरेंज वाला जो हमने यहाँ से यूज़ किया है अपना यान, उसको उसके बाद फिर मैंने वाइट करा है, फिर ऑरेंज, फिर वाइट। तो आप इसके जो राउंड्स हैं बढ़ा सकते हैं, उसके बाद जो मैंने ये आखिर लाइंस बताई हैं वो कर सकते हैं। तो देखने में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देखने के लिए चैनल पे आए हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें बगैर आगे ना बढ़ना, क्योंकि आप सभी की वजह से बहुत सपोर्ट मिलता है। तो इससे पहले एक बार आगे बढ़ें तो नाप के मैं और दिखा देती हूँ आपको। तो इसका साइज़ जो है ये 13.5 cm है। और चलिए आगे बढ़ते हैं देर ना लगाते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपना ऑरेंज कलर ले रही हूँ और आप जो भी कलर यूज़ करना चाहें। सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग। और करेंगे chain 3 और फिर 1 chain एक्स्ट्रा करेंगे और रिंग के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर chain 1, फिर डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को chain 1 करके टोटल 12 डबल क्रोशेट बनाने हैं, जिसमें कि हमने चेन को भी डबल क्रोशेट की तरह काउंट करना है। तो मैं अपने 12 डबल क्रोशेट chain 1 करके बनाकर फिर यहाँ मिलती हूँ। तो मैंने बना लिए डबल क्रोशेट और इसको थोड़ा टाइट कर देते हैं। अब करेंगे लास्ट में chain 1 और अपनी chain 3 में स्लिप स्टिच करेंगे। और एक बार जो हमने chain 1 बनाई है इसमें भी स्लिप स्टिच कर देंगे। तो 2 times हमारे स्लिप स्टिच हो गए। अब करेंगे यहाँ पर chain 3 और सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर chain 1 करेंगे और जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट का स्पेस है chain 1 का, इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट 2 times, फिर करेंगे chain 1। तो इस तरह से हमारे को पूरे राउंड में करना है। जो चेन स्पेस हमने बनाया था लास्ट राउंड में फर्स्ट chain 1 का, तो उस chain 1 के गैप के अंदर हमारे को 2 double crochet करने हैं, लेकिन हमारे को chain 1 करके करनी है। तो मैं ये फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो हमारा ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया और अब हमारे को इसमें लास्ट में chain 1 करना है और chain 3 के 3rd chain में स्लिप स्टिच करना है। अब करेंगे यहाँ पर हम chain 3, 1, 2, 3 और जो ये हमारा सेकेंड डबल क्रोशेट है, अब इसकी चेन स्टिच के अंदर डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर एक बार और सेम स्टिच के अंदर बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे पर 3 double crochet हो गए। ये देखिए 1, 2, 3। अब करेंगे chain 1 और जो नेक्स्ट हमारा डबल क्रोशेट का क्लस्टर है, जो हमने 2 double crochet बनाए हैं, तो इसके 1st double crochet की अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट और जो नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशेट है इसमें भी बनाएंगे डबल क्रोशेट। इसके बीच में कोई चेन नहीं बनानी है। अब फिर इसमें रिपीट करेंगे। अब करनी है chain 1 हमारे को और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर फिर से एक बार और डबल क्रोशेट, फिर उसके अगले वाले में 2 double crochet बनाना है सेम स्टिच के अंदर, फिर करनी है chain 1। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और अब करेंगे हम chain 1 और स्लिप स्टिच करेंगे chain 3 के 3rd chain में
फिर करेंगे चेन थ्री, 1 2 3, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर जो ये नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशेट। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और जो नए लोग हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अब जो हमने ये डबल क्रोशेट बनाया है लास्ट वाला, और इसमें ऑलरेडी हमने एक डबल क्रोशेट कर लिया, एक बार और रिपीट करेंगे इसके अंदर। फिर करेंगे चेन वन। अब जो नेक्स्ट क्लस्टर है डबल क्रोशेट, थ्री डबल क्रोशेट का, उसकी फर्स्ट डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर उसके अगले वाले में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे, और उसके अगले वाले में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन इसमें रिपीट करेंगे। ये देखिए, तो हमारे पास हो गए टोटल 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो पहले हमारे पास ये हमारा फोर्थ राउंड है, 1 2 3 4। तो इस तरह से हमारा ये, हमको ये पूरे राउंड में करना है चेन वन करके। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो ये राउंड भी कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। तो करेंगे फिर से चेन वन लास्ट में, फिर चेन थ्री में हम स्लिप स्टिच करेंगे, फिर करेंगे चेन थ्री, और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर इसके अगले वाले में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे, लेकिन इसमें हम इंक्रीज करेंगे, 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन वन। तो इस तरह से हमारे को ये सारे राउंड्स करने हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो 1 डबल क्रोशेट, फिर सेकेंड में राउंड में सेकेंड 2 डबल क्रोशेट, फिर थर्ड राउंड में 3 डबल क्रोशेट, फिर फोर्थ राउंड में 4 डबल क्रोशेट, फिर फिफ्थ राउंड में 5 डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हम इसको इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो जब तक मेरे 9 डबल क्रोशेट नहीं होंगे तो मैं इस राउंड को इसी तरह से कंटिन्यू करती जाऊँगी। स्लिप स्टिच करा, फिर चेन थ्री किया, फिर डबल क्रोशेट बनाया, और मतलब जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट होगा हर बारी हमारे को उसी में इंक्रीज करना है, बाकी सब सिंगल सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाने हैं। तो मैं ये सारे कंप्लीट करके 9 डबल क्रोशेट तक पहुँच कर फिर आपको मिलती हूँ। तो इस तरह से मेरे ये राउंड कंप्लीट हो गए 9 डबल क्रोशेट तक बनाने के लिए, और इसमें मेरे सभी पेटल्स में 9 डबल क्रोशेट है। मैं एक बार काउंट करके भी दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है, तो चेन वन करके फिर चेन थ्री में स्लिप स्टिच करेंगे। अब नेक्स्ट डबल क्रोशेट में भी हम स्लिप स्टिच करेंगे, लेकिन इसमें मैं स्लिप स्टिच करने के लिए दूसरा कलर लगाऊंगी अपना वाइट। और इसी के ऊपर बना दूंगी मैं चेन थ्री। अब करेंगे नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट, फिर इसके अगले वाले डबल क्रोशेट के अंदर भी बनाएंगे डबल क्रोशेट। अब करेंगे चेन टू, और एक डबल क्रोशेट जो बीच का है इनके, वो इसको स्किप कर देंगे, और इसके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट, और इसके अगले वाले में भी बनाएंगे डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमने एक साथ 3 डबल क्रोशेट बनाए अलग अलग डबल क्रोशेट में, और यहाँ पर हमने जो चेन थ्री करा इसको भी हमने डबल क्रोशेट की तरह माना। तो 1 2 3 यहाँ डबल क्रोशेट हो गए, 3 डबल क्रोशेट यहाँ हो गए, बीच में हमने एक छोड़ दिया, और स्टार्टिंग में भी हमने जो चेन थ्री में स्लिप स्टिच किया था इसको भी हमने छोड़ दिया, और जो लास्ट में है जिसमें हमने 2 डबल क्रोशेट बनाए थे तो उसका भी लास्ट वाला एक डबल क्रोशेट हमारे को छोड़ देना है। अब हमारे को करना है चेन टू, यानी स्टार्टिंग वाला स्किप किया और लास्ट वाला। अब जो हमारे पास चेन स्पेस है इसके अंदर हमारे को बनाना है
डबल क्रोशेट, टू और ये थ्री। अब हमारे को करना है चेन टू और पहला जो डबल क्रोशेट है इसको छोड़ना है और नेक्स्ट वाले में फिर से डबल क्रोशेट बनाना है हमारे को। डबल क्रोशेट, फिर नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट और इसके अगले वाले में भी हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है। फिर करना है हमारे को चेन टू और एक डबल क्रोशेट छोड़ देंगे और उसके अगले वाले में बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर उसके अगले वाले में भी बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर उसके अगले वाले में भी डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर करेंगे चेन टू और जो हमारे पास चेन स्पेस है इसके अंदर बनाएंगे हम थ्री टाइम्स डबल क्रोशेट, वन टू और ये थ्री, फिर कर लेंगे हम चेन टू। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में करना है क्योंकि हमने यहाँ से इस चेन को जो चेन थ्री करी थी स्लिप स्टिच किया था इसको छोड़ा है, फिर हमने इसको यहाँ पर छोड़ा है, फिर थ्री डबल क्रोशेट करने के बाद चेन टू करके फिर पहला वाला छोड़ा है, फिर लास्ट वाला छोड़ा है, फिर हमने स्पेस में बनाया है। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में करना है और चेन टू का ध्यान रखना है बस कि चेन टू यहाँ भी आएगी, चेन टू यहाँ भी आएगी, चेन टू यहाँ भी आएगी। तो मैं आपको स्लिप स्टिच पर मिलती हूँ। तो मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया वाइट से। तो अब करेंगे चेन टू और चेन थ्री में हम स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहीं पे अपने यार्न को कट कर देंगे। इसको सिक्योर कर देते हैं। बस, और मैंने ये अपना ऑरेंज वाला कट नहीं किया था तो अब ऑरेंज वाले से स्टार्ट करेंगे। और जो हमारा जो हमने स्टार्टिंग में चेन डबल क्रोशेट बनाई थी तीन, उसके बीच का जो चेन स्पेस है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और करेंगे चेन थ्री और इसी स्पेस के अंदर बनाएंगे फिर से डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट। तो चेन थ्री को भी हम डबल क्रोशेट की तरह ही ट्रीट करेंगे और थ्री डबल क्रोशेट हो गए इस तरह से। फिर करेंगे चेन टू और जो नेक्स्ट हमारे पास चेन स्पेस है इसके अंदर भी हम बनाएंगे डबल क्रोशेट, वन टू और थ्री, फिर करेंगे चेन टू और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसमें बनाएंगे डबल क्रोशेट, वन टू और ये थ्री, फिर चेन टू। तो ये हमारा ऑरेंज का राउंड इस तरह से बनेगा और इसके बाद में यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करना है, फिर हमारे को फिर वाइट से राउंड करना है, फिर ऑरेंज से करना है। तो इस तरह से मैं ये जो टोटल राउंड्स हैं वो फाइव करूँगी। पहले मेरा वाइट हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर वाइट हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, फिर वाइट हो गया। तो इस तरह से मैं ये पूरे अपने राउंड्स कंप्लीट करके, टोटल फाइव राउंड्स कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ, जिसमें इंक्लूड होंगे ये वन और टू। तो फिर मैं आपको मिलती हूँ यहाँ पर। तो मेरे ये पांचों राउंड कंप्लीट हो गए। पहले मैंने वाइट किया, फिर ऑरेंज, फिर वाइट, फिर ऑरेंज और फिर अब वाइट। तो अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। तो करेंगे चेन टू और चेन थ्री में करेंगे स्लिप स्टिच। और अब इसको यहीं कट कर देंगे।
इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ी पतली वाली क्रोशिया से करती हूँ। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब हम फिर से अपना ऑरेंज से काम करेंगे, या आपने जो भी कलर लगाया हो आप उससे कर सकते हैं। करेंगे चेन वन, चेन टू और चेन थ्री, और सेम स्टिच में फिर से बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर एक बार और बनाएंगे, फिर करेंगे चेन टू और सेम स्पेस के अंदर फिर बनाएंगे डबल क्रोशेट। तो इस तरह से डबल क्रोशेट का इसमें फैन बन जाएगा। फिर करेंगे चेन वन और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन वन और नेक्स्ट डबल क्रोशेट स्पेस में बनाएंगे डबल क्रोशेट, वन टू और ये थ्री, फिर करेंगे चेन टू और सेम स्पेस पे बनाएंगे डबल क्रोशेट, वन टू और ये थ्री, फिर चेन वन। तो इस तरह से पहले हमारे को डबल क्रोशेट थ्री बनाने हैं, फिर चेन टू करना है, फिर थ्री डबल क्रोशेट सेम स्पेस में बनाने हैं, फिर चेन वन करना है, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर सिंगल टाइम एक ही बार डबल क्रोशेट बनाना है, फिर चेन वन करना है, फिर जो हमने पहले फैन बनाया डबल क्रोशेट का सेम एज इट इज़ हमारे को सेकेंड मतलब थर्ड डबल स्पेस में बनाना है फैन, फिर चेन वन करेंगे, फिर सिंगल टाइम डबल क्रोशेट बनाएंगे, फिर चेन वन करके फिर नेक्स्ट में फ़ैन बनाएंगे। तो ये इस तरह से पूरा हमारे को राउंड में करना है। तो मैं फिनिश करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे को करना है स्लिप स्टिच। तो चेन वन मैंने पहले से की हुई है और चेन थ्री के अंदर हम करेंगे स्लिप स्टिच। और यहीं करेंगे हम चेन थ्री और एक एक्स्ट्रा करेंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में डबल क्रोशेट बनाएंगे। फिर करेंगे चेन वन और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन वन और जो हमने चेन टू का स्पेस दिया था फैन के अंदर तो इसमें भी बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन वन और नेक्स्ट डबल क्रोशेट में बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन वन, फिर नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट, फिर चेन वन, नेक्स्ट वाले में भी डबल क्रोशेट। अब हमारे को चेन वन नहीं करना, जो हमने सिंगल डबल क्रोशेट स्पेस में बनाया था इसके अंदर हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। अब जो हमारा नेक्स्ट डबल क्रोशेट है इसके अंदर भी हमारे को इससे पहले चेन नहीं करना और बनाना है अपना डबल क्रोशेट। अब करेंगे चेन वन और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन वन और नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन वन, फिर चेन स्पेस के अंदर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर चेन वन, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट, फिर चेन वन, नेक्स्ट डबल क्रोशेट के अंदर डबल क्रोशेट और चेन वन।
तो इस तरह से हमारे को ये पूरी राउंड में करना है, और यहाँ हमारे को कुछ चेन बनानी नहीं, तो इसलिए एक बारी सिंगल क्रोशेट कर देती हूँ मैं। तो ये ऐसे बनता चला जाएगा, तो ये पूरे राउंड में हमारे को करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको यहाँ मिलती हूँ। तो मेरा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब स्लिप स्टिच करते हैं। और चेन थ्री में हमारे को स्लिप स्टिच करना है। और यही हम इसको कट कर देंगे। अब अपना फिर से हम वाइट कलर लगाएंगे। और हमने अभी यहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, तो जो हमारा चेन का स्पेस है, चेन वन का स्पेस है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे पहले चेन वन, फिर सेम स्पेस के अंदर ही सिंगल क्रोशेट बनाएंगे, फिर करेंगे चेन थ्री, 1 2 3, और चेन थ्री करके अपने हुक से जो हमने नीचे इसका सिंगल क्रोशेट बनाया है, इसमें से अपने यार्न को निकालेंगे और फिर एक बार और सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और अब नेक्स्ट वाला जो हमारा चेन वन का स्पेस है डबल क्रोशेट के बीच में, इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन वन टू और थ्री, और फिर से हम इसके चेन के नीचे से और जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाया उसके एक एक लूप हमारे को उसका उठाना है और एक चेन का उठाना है, और फिर बना देंगे सिंगल क्रोशेट। फिर नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, फिर करेंगे चेन 1 2 3 4 5, चेन फाइव करके वैसे जैसे हमने यहाँ पर अपने सिंगल क्रोशेट जो हमने चेन बनाई है उसके स्टार्टिंग के लूप में से और सिंगल क्रोशेट के एक लूप में से निकाल कर अपने हुक को यान को खींचेंगे और फिर बनाएंगे सिंगल क्रोशेट। और फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर से करेंगे चेन थ्री, और बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, और फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट, और फिर करेंगे चेन थ्री, और फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट, और फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में से फिर सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। तो देखिए दो हमारे जो पिकोट है ये इस साइड आएंगे, दो इधर आएंगे, तीन तीन हमने इसमें चेन बनाई है, और जो हमारा मिड वाला है इसके अंदर हमने 5 चेन्स बनाई हैं। अब यहाँ पर हमारे को अपने हुक में दो बार अपने यार्न को लेना है, और जो हमारा ये वाइट वाला जो क्लस्टर है डबल क्रोशेट का, तो इसका जो स्टार्टिंग का डबल क्रोशेट है इसके बैक में से अपने यार्न को निकालना है, फिर डबल क्रोशेट बनाना है, फिर डबल क्रोशेट बनाना है, फिर डबल क्रोशेट बनाना है, यानी 3 टाइम्स हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है, फिर अपने यार्न को हुक में लेना है दो बार
और जो सेकंड डबल क्रोशेट का लास्ट डबल क्रोशेट है इसमें से हमारे को फिर यान को लेना है, फिर डबल क्रोशेट बनाना है, फिर डबल क्रोशेट बनाना है, फिर डबल क्रोशेट बनाना है, यानी थ्री टाइम्स डबल क्रोशेट बनाना है। और फिर जो इसके पीछे का जो चेन वन का स्पेस है यहाँ से हमारे को डबल क्रोशेट बनाना है, फिर चेन थ्री करना है, वन टू थ्री, और जो चेन थ्री का हमारा लूप है एक लूप यहाँ से इसका उठाना है और एक सिंगल क्रोशेट का उठाना है, और फिर हमारे को यहाँ पर सिंगल क्रोशेट कर देना है, फिर नेक्स्ट वाले चेन स्पेस में सिंगल क्रोशेट करना है, फिर चेन थ्री करना है, और फिर ये लूप उठाएंगे चेन का एक और एक सिंगल क्रोशेट का, और फिर से सिंगल क्रोशेट बना देंगे। अब नेक्स्ट वाले में चेन स्पेस के अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और करेंगे चेन वन टू थ्री फोर और फाइव, और एक लूप उठाएंगे चेन का और एक लूप उठाएंगे सिंगल क्रोशेट का और कर देंगे फिर से सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट चेन स्पेस के अंदर फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और करेंगे चेन थ्री, वन टू और थ्री, और लूप उठाएंगे चेन का और फिर सिंगल क्रोशेट का, और इस तरह से सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। और नेक्स्ट वाले में फिर से सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और करेंगे चेन थ्री और लूप उठाएंगे चेन का और सिंगल क्रोशेट का। तो ये प्रोसीजर सेम एज इट इज सब में ही करा जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे सिंगल क्रोशेट और फिर यहाँ पर अपने यान को हुक में लेंगे दो बार, और फर्स्ट जो डबल क्रोशेट है इसके बैक से हुक निकाल में यान निकाल के फिर बनाएंगे डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट, तो थ्री टाइम्स डबल क्रोशेट बनाना है, और फिर दोबारा से यान को हुक में लेना है, और जो सबसे लास्ट वाला मतलब सेकंड क्लस्टर का इसके अगले वाले क्लस्टर का सबसे लास्ट वाला डबल क्रोशेट है इसमें से लेके यान को फिर डबल क्रोशेट बनाएंगे, वन टू और थ्री, और इसके पीछे से स्पेस में निकाल के फिर कर देंगे सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से ये हमारे को पूरे राउंड में करना है। मैंने आपको दो बार बताया है कि इसको हमारे को कैसे बनाना है। डबल क्रोशेट यहाँ पर थ्री टाइम्स होंगे, यहाँ पर भी थ्री टाइम्स होंगे, हुक में दो बार अपने यान को हमारे को लेना है, और उसके बाद पीछे वाला जो चेन का स्पेस है उसमें सिंगल क्रोशेट बनाकर चेन थ्री करके फिर सेम स्पेस के अंदर ही एक चेन का लूप उठाना है और एक सिंगल क्रोशेट का उठाना है, और फिर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। बस ऐसे ही करते जाना है। इसमें हमारे को चेन फाइव करनी है और पूरे राउंड में हमारे को सेम एज इट इज़ ही कंटिन्यू करना है। तो मैं ये अपना फिनिश करके आपको यहाँ पर मिलती हूँ। तो मेरा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अभी बस लास्ट मेरा रह गया है थ्री डबल क्रोशेट करना, तो मैं लास्ट में ये कर दूँ। और करेंगे डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट, फिर एक बार और बना लेते हैं। डबल क्रोशेट, डबल क्रोशेट और डबल क्रोशेट, और जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट बनाया था इसमें हमको स्लिप स्टिच कर देना है। बस यहीं पर इसको कट कर देंगे।
देखिए इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। तो चलिए मैं इसको आपको नाप के दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 13.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो आपको मेरा प्रोजेक्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए प्रोजेक्ट के साथ में। बाय बाय।